रिकॉर्डिंग हमारी स्टार्ट है। कैन नॉट मिनिमाइज योर व्हेन यू आर रिकॉर्डिंग द ओके स्क्रीन शेयर ठीक है। अब रिकॉर्डिंग हमारी चल रही है। अब वेरीफाई कैसे करेंगे? स्टॉप रिकॉर्डिंग सही है। चलो ठीक है, पहले थोड़ा सा वो कर लेते हैं, ओवरव्यू नहीं, मोटिवेशनल टॉक्स और थोड़ा सा जो काम करना है उससे रिलेटेड कुछ टॉक्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट में पढ़ा चुका हूँ। ऑब्जेक्ट में किसी को कोई मसला नहीं आते आते हैं ना? ऑब्जेक्ट क्लियर है आप सबको भी? ठीक है। अच्छा, कोई ऐसा तरीका कि मैं बस एक लाइन लिखूं और डेटा पास करूं तो मुझे उसका ऑब्जेक्ट बन करा दे, बस मैंने एक लाइन लिखी उसमें, हाँ वेरिएबल तो असाइन करेंगे लाजमी, मैंने एक लाइन लिखी उसमें रिक्वायर्ड पैरामीटर्स पास किए और मुझे उसका ऑब्जेक्ट बन के मिल गया। मैंने एक डेटा बनाया अपना, उसमें रखा हुआ है माय नेम, माय टाइटल और लोकेशन, कंपनी। ठीक है, अब जैसे कि मैंने इसमें अपनी चार चीजें रखी हुई, सही है। अब जो है, अगर मुझे किसी दूसरे बंदे का बनाना तो उसके लिए मुझे दूसरा एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, सही है। तीसरे के लिए तीसरा बनाना पड़ेगा। कुछ ऐसा करना है, ऐसा करते हैं एक ऑब्जेक्ट बनाए, उसके बाद एक लाइन लिखनी पड़े, उसमें डिफरेंट इंफॉर्मेशन पास करें, दूसरा बन जाए, तीसरी पास करें, तीसरा बन जाए, चौथी पास करें, चौथा बन। ठीक है, कुछ ऐसा करने की कोशिश करें। सही है, हर चीज आपके लिए न्यू है और हर चीज आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब मैं इस फेज में आया था ना यार, ऐसा करना पड़ रहा है या फिर वैसा करना पड़ रहा है, तो फिर मैं ये सोच रहा था यार, जब आसानी से काम हो रहा है तो क्यों करें, ठीक है, मुश्किल की तरफ क्यों जाए। लेकिन उसका सॉल्यूशन ये है, वो बात के लिए बहुत आसानियां पैदा कर देता है, आपका इतना बड़ा काम इतना सा करके दे देता है और बहुत नीट एंड क्लीन बोर्ड के साथ। ठीक है, अच्छा अच्छा इसके अलावा जो है, जावास्क्रिप्ट में हम इस काम को करने के लिए हमारे पास जो तरीका है उस मेथड को कहते हैं कंस्ट्रक्टर फंक्शन। कंस्ट्रक्टर फंक्शन किसी ने पहले कभी पढ़ा सुना? रिएक्ट जेएस में जो था ना, वो तो ऐसा था कि रट्टो रट्टो वालों को याद कि भाई कंस्ट्रक्टर कुछ था, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। सही है, बाकी सब कंसेंट्रेट करते सही, क्लास एक अलग चीज है। सही है, ऑब्सोलेट नहीं हुई, ऑब्सोलेट नहीं हुई, टर्मिनेट नहीं हुई, अच्छा नहीं है, करना नहीं चाहिए। ठीक है, फिर ज्यादा खाने के लिए बैठे हैं, बोल रहे हैं यार जी, बोले आप सही है। ठीक है, लेकिन ये हमारे टॉपिक हो जाए।
अच्छा तो सबसे पहले जो है हम बुक में से देखते हैं कंस्ट्रक्टर की कोई एग्जांपल और फिर मैं आपको बता दूं। सही मैथ्स क्लास कंटिन्यू करनी है, बच्चे बाद में बोलते हैं समझ में नहीं आया। मतलब ये कि वो बोल रहा है कि शिफ्टिंग कर रहे हैं और ये डिजिटल वो है, डिजिटल नहीं पर मैं इसका नहीं पता, ये चीजें मेरा काम छोड़ गया कि वो क्यों नहीं आ रहा, ये क्यों नहीं आ रहा। हाँ बादशाह, वालेकुम सलाम, मैं शारफ फैसल। नहीं छुट्टी नहीं है, पढ़ा रहा हूँ। पारे वो तो फिर 9 बजे आता हूँ, बोलो तुम तो। क्या कह रहे हैं? सही है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर क्या समझ में आया किसी? सुनना था पहले यार, हम कुछ ऐसा बनाते हैं कि हमें एक लाइन लिखनी पड़े, इंफॉर्मेशन पास करें और उसका ऑब्जेक्ट बनकर आ जाए, ठीक है। ऑब्जेक्ट आपको पता है क्या होता है? भाई को एक ऑब्जेक्ट की एग्जांपल करवा देते, ठीक है। मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, वार माय डेटा इज इक्वल टू, ऑब्जेक्ट में आप हमेशा रेलिवेंट इंफॉर्मेशन गैदर करोगे। कैसी इंफॉर्मेशन? रेलिवेंट, ये आपने एक वेरिएबल असाइन किया और ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपके पास होते हैं कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट्स में रिक्वायर्ड है की वैल्यू के पेयर, जो आपकी की होगी उसकी एक वैल्यू लाजमी होगी, जिसको आप ये बोल सकते हो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी की वैल्यू, ठीक है। मैंने एक की बनाई माय नेम, उसमें लिख दिया अहमद। ऑब्जेक्ट की जो की बनेगी या जो प्रॉपर्टी नेम होगा उसको असाइन करने के लिए आप इज इक्वल टू नहीं कॉलन लगाओगे, ठीक है। अगर इज इक्वल टू लगाओगे तो वो आपको एरर देगा। मेरे पास ये चीजें वही हुई जिसकी वजह से ये आपको पूरा बता रहा है, डिड यू मीन टू यूज दिस, जबकि उसका मैंने उसको ये बोला हुआ नहीं, एक्सटेंशन नहीं है ये, कॉन्फ़िगरेशन करी भी ये एक्सटेंशन नहीं है, सही है। अच्छा, उसके बाद जब मुझे कोई दूसरी प्रॉपर्टी असाइन करनी है या की असाइन करनी है उसके लिए कॉमा नॉट कॉलन, ठीक है। मैंने बोला टाइटल, उसके बाद मैं अगर कंसोल करवा लूं माय डेटा को, तो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट बनकर आ गया जिसमें माय नेम दिख रहा है अहमद और टाइटल की वैल्यू है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है। ये भी हमारे पास ऑब्जेक्ट बन गया। अगर मुझे इसमें ऑब्जेक्ट के बाद कोई एडिशनल प्रॉपर्टी ऐड करनी है तो उसके लिए हम करेंगे माय डेटा डॉट कंपनी इज इक्वल टू क्यों? हम ऑब्जेक्ट के बाद अब एक प्रॉपर्टी उसमें असाइन कर रहे हैं कि भाई ये अब ऑब्जेक्ट में एड हो जाएगी, ठीक है। डॉट कंपनी इज इक्वल टू MPERLS कंपनी हमने की दी जी, डॉट करके अगर आपको ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी ऐड करनी है तो वो हमेशा डॉट करके होगी, ठीक है। और इज इक्वल टू के बाद जो आपने असाइन किया वो उसकी की थी वैल्यू हुई, सही है। अब ऑब्जेक्ट में मेरे पास 3 प्रॉपर्टी होनी चाहिए इंस्टेड ऑफ 2, सही है। सेव, 3 आ गई मेरे पास, ठीक है। ये हमारे पास एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट हुआ। अगर मुझे किसी और का ऑब्जेक्ट बनाना है, उजैर का बनाना है या सॉर्टिंग के लिए आपको चीजें ढूंढनी पड़ेंगी, नहीं क्योंकि ये जो है ना रिक्वायर्ड नहीं होता,
बहुत कम रिक्वायर्ड होते कि भाई एस के बाद ये है तो उसके बाद वो है, कोई नहीं ऐसा बोलता। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट्स आपकी सारी जिंदगी के डेटा में यूज होगा, जो भी आपके पास डेटा आ रहा होगा वो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स में आएगा, जेसन फॉर्मेट में। ये चीजें क्या होती हैं ये आपको थोड़ा आगे चल के पता चलेगा, ठीक है। अब हम बनाते हैं एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन, ठीक है। पहले मैं आपको इसके एक और एग्जाम्पल करा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि भाई अगर दूसरा ऑब्जेक्ट मुझे कोई बनाना है तो उसके लिए एन ओ टी एच ई आर अनदर डेटा, इसमें लिख दिया यू जेड ए आई आर, ठीक है। दो डेटा, दो ऑब्जेक्ट मेरे पास रेडी हो चुके हैं जिसके लिए दो मल्टीपल ऑब्जेक्ट मुझे बनाने पड़े, सही है। नहीं, अच्छा इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, ठीक है। तो हम अब चाह रहे हैं ऐसा क्या लिखें या ऐसा क्या करें कि एक ऑब्जेक्ट बने और उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन, ठीक है। कंस्ट्रक्टर फंक्शन की सबसे पहली मिसाल क्या है, सबसे पहली मिसाल नहीं, निशानी। उसका जो इनिशियल होगा वो होगा कैपिटल, इनिशियल होगा कैपिटल, नहीं ये वो कंस्ट्रक्टर नहीं है, ये वो कंस्ट्रक्टर, ये बिल्कुल अलग है, ये कहीं भी नहीं, ये प्योर रिएक्ट निकाल के लाए, रिएक्ट से बचाव, ठीक है। इस सारे काम को मैं कमेंट कर देता हूँ, और मैंने बनाया फंक्शन, ये मैंने एक फंक्शन बनाया, कंस्ट्रक्टर फंक्शन, सही है। पैरामीटर्स, पैरम स्टैंड फॉर पैरामीटर्स, ठीक है। पैरामीटर्स अभी क्या क्या आएंगे उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो कंस्ट्रक्टर का मेरा नेम है, ठीक है, उसको मैंने कर दिया पी ई आर एस ओ एन, पर्सन। लेकिन अभी किस कलर का दिख रहा है पर्सन, पी कलर का दिख रहा है, येलो कलर का, ठीक है। अब ये हो गया एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन, ठीक है। इसमें आपके पास कुछ पैरामीटर्स रिक्वायर्ड होंगे, जिनमें से सबसे पहला पैरामीटर हम एक्सेप्ट करेंगे फर्स्ट नेम, ठीक है, कॉपी करा, लास्ट नेम, ठीक है। उसके बाद दिया मैंने एज, उसके बाद दिया मैंने कंपनी, क्लियर। अब कंस्ट्रक्टर फंक्शन में वेरिएबल कैसे असाइन होते हैं, कंस्ट्रक्टर फंक्शन में जैसे नॉर्मल नॉर्मल और नॉर्मल आपका जो ऑब्जेक्ट है उसमें तो आप कोई भी की वैल्यू बना दो, लाइक माय नेम, आपने एक प्रॉपर्टी नेम बनाया, ठीक है, और उसने असाइन कर दिया अहमद, ठीक है। इसमें मैंने ये बोला कोई भी प्रॉपर्टी नेम आपको बनाना है उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा दिस, ठीक है, क्योंकि इसमें प्रॉपर्टी नेम दिस से ही बनता, ठीक है। और उसमें प्रॉपर्टी जो आप असाइन करोगे वो क्या होगी, जो आपके पैरामीटर से आपको रिसीव होगी, ठीक है। मैंने लिखा दिस डॉट मतलब डॉट करके आप प्रॉपर्टी नेम अपना बनाओगे, लाइक माई नेम हो गया या जो भी हो गया। मैंने बोला भाई जो नेम हमारा आ रहा है हम उसी नेम से रखते हैं, मैंने एक प्रॉपर्टी नेम बनाया दिस डॉट फर्स्ट नेम, और उसमें क्या रख दिया जो मेरा फर्स्ट नेम आ रहा है। इसको समझने की कोशिश करते हैं, मैंने एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाया पर्सन, उसमें चार पैरामीटर रिक्वायर्ड है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, कंपनी, और इसमें मैंने अभी तक एक प्रॉपर्टी बनाई है फर्स्ट नेम, उसमें असाइन किया है फर्स्ट नेम जो कि वहां से आ रहा है। ये जो फर्स्ट नेम मैंने दिस के साथ लिखा है ये मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, जरूरी नहीं है कि मैंने फर्स्ट नेम लिखा, रेलिवेंट लगे इसलिए मैंने फर्स्ट नेम लिखा, क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
दिस डॉट लास्ट नेम दिस क्या कर रहे हैं अभी बता दू ये दिस वाली क्लास में नहीं था दिस क्या कर रही है तुम्हें बताना पड़ेगा चलो ठीक अभी बता दू दिस बोल रहा है इस पेरेंट का मैं जो भी एक्सेसिबल प्रॉपर्टीज है ना वो मेरे से एक्सेस हो ठीक है लाइक आपने इसकी किसी भी प्रॉपर्टीज को एक्सेस करना है वो मेरे से एक्सेस हो ये वर्णन नहीं हो सकता बाहर से नहीं कोई भी प्रॉपर्टी आप बनाओ वो अलग बात है एक्सटर्नल इंटरनल जो बनाओगे वो मेरे से एक्सेस होके हो सकती है और नहीं हो सकती ठीक है दिस डॉट एज इज इक्वल टू एज ठीक है दिस डॉट कंपनी इज इक्वल टू कंपनी ठीक है मैंने अपने कंस्ट्रक्टर फंक्शन में चार प्रॉपर्टीज असाइन कर दी हैं फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज और कंपनी और वो हमें पैरामीटर से रिसीव हो रहे थे अगर मैं यहाँ पे जाऊं तो वो मुझे बता रहा है दिस कंस्ट्रक्टर फंक्शन मे बी कन्वर्टेड टू क्लास डिक्लेरेशन ठीक है ये एक अपडेट है हम बाद में देखेंगे सही है इसको अभी हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है हाँ अगर नहीं चलता है तो बात अलग है अगर नहीं चलता है तो बात अलग है ठीक है अब मैंने बिल्कुल रेलेवेंट होना उसमें जो आप जो आप असाइन करोगे अगर मैं दिस डॉट ए में फर्स्ट नेम रख दूं तो ए में फर्स्ट नेम चला जाए दिस डॉट बी में लास्ट नेम रख दूं तो बी में लास्ट नेम चला जाए तरीका सही सही है आपको रेलेवेंट नहीं लगता आप ज्यादातर क्या करोगे जो आ रहा होगा उसी नेम से सेट करा दो ताकि आपको रेडेबिलिटी में मसले ना हो आप लास्ट नेम जा रहा है मैंने पास किया तो इसी से एक्सेस हो जाए ठीक है अब मैंने एक कीवर्ड बनाया एक वेरिएबल बनाया बार पर्सन वन ठीक है इसमें मैं अब कॉल करूंगा किसको अपने कंस्ट्रक्टर फंक्शन को न्यू वाली क्लास में कोई भी नहीं था राइट न्यू जब मैंने पढ़ाया ये था ना इसके अलावा बाकी सब नहीं है ना जावास्क्रिप्ट में एक कीवर्ड है न्यू न्यू आपको कब यूज करना है जब आपको अपना डेटा टाइप ऑब्जेक्ट में चाहिए तब आप अपने काम के आगे न्यू लगा दोगे अदरवाइज नहीं लगाओगे ठीक है अभी हम जी डेटा टाइप जब भी आपको ऑब्जेक्ट में चाहिए तब आप अपने अपना जो वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हो उसके आगे आप न्यू लगा दोगे मैं इसको एक मिनट के लिए कमेंट करता हूँ ठीक है और यहाँ मैंने जल्दी से एक दो कीवर्ड आपको बना के दिखाता हूँ वार डेट इज इक्वल टू न्यू डेट कंसोल डॉट लॉग डेट और दैट इज करेक्ट टाइप ऑफ डेट सेव सही है क्लियर है ऑब्जेक्ट आ रहा है बिकॉज ऑफ न्यू अच्छा न्यू हटा देते हैं क्लियर क्यों अब जब आपने न्यू हटा दिया ना अब जो उसके रेलेवेंट फीचर्स हैं आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते कैसे कंट्रोल जी मैंने बोला भाई जो डेट आ रहा है मुझे सिर्फ उसमें से टाइम रिक्वायर्ड है बाकी के फजूल चीजें मुझे नहीं चाहिए मैंने बोला क्या नहीं कर सकती डॉट टू लोकल ई टाइम स्ट्रिंग सेव सही है सर टाइम चाहिए और अगर ये डेट में चल जाता है तो आगे जाके आपको मसला करेगा क्योंकि न्यू को आपको समझना है किस लिहाज से जब आपको अपने डेटा का टाइप अगर ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए तो आप अपने डेटा टाइप से पहले न्यू लगा दो आपका जो मर्जी डेटा टाइप होगा उसको ऑब्जेक्ट बना के दीजिए सिर्फ इतना सा काम है ठीक है और न्यू कब कब कैसे कैसे यूज करना है ये आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड
प्रैक्टिस करते करते आपको पता चल जाएगा कि न्यू कब लगाना। अब एरे बनाने के लिए भी न्यू एरे से अगर बनाओगे, एरे से अगर बनाओगे तो न्यू लगा दोगे तो वो आपको ऑब्जेक्ट में डेटा ला के दे, और वैसे भी ऑब्जेक्ट में ही ला के दे रहा होता है। ये स्पाई का सवाल है जो कि हम कभी ना कभी आंसर जरूर करेंगे। सही है, इस लाइन को हम बन गए, हटा दूं या कमेंट कर दूं? कमेंट कर दूं तो यहां से उठा के ऊपर रखिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा न्यू, ठीक है, और मैंने लिख दिया इसके साथ पर्सन, उसको मैंने कॉल कर दिया, उसने मुझे सजेशन दिया फर्स्ट नेम रिक्वायर्ड है, लास्ट नेम रिक्वायर्ड है, एज है और कंपनी है, ठीक है। मैंने सबसे पहले इसको यहाँ पे दिया MUHAMMET, यस, सीक्वेंस वाइज इस पे आपको सीक्वेंस का बहुत ख्याल रख। अहमद, टू फाइव और ठीक है। अब जरा हम देखते हैं कि हमें पर्सन वन में क्या मिल रहा है। CL पर्सन का एक कंस्ट्रक्टर बना, एज इज इक्वल टू 25, कंपनी इज इक्वल टू 10 पॉइंट्स, फर्स्ट नेम इज इक्वल टू मोहम्मद, लास्ट नेम इज इक्वल टू अहमद। किसी का इसमें कोई सवाल है पहले वो क्लियर कर। मोहम्मद की जगह आपका यूजर इनपुट होगा डॉट वैल्यू, इसी तरह सेकंड पैरामीटर, थर्ड पैरामीटर, फोर्थ पैरामीटर हम नहीं डालेंगे। यूजर इनपुट जो होगा आपका इनपुट टैग, उधर से डेटा लिया आपने, जावास्क्रिप्ट में मंगवाया, उसकी जो वैल्यू होगी वो मोहम्मद में सेट करा दिया, फर्स्ट पैरामीटर हो गया, लास्ट सेकंड पैरामीटर हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, चौथा इंडिफाइन मिलेगा, ये हम पहले भी देखिए, समझ आया? ठीक है, अब मेरी वाली बात को डिस्कस करते हैं कि भाई दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ेगा, दूसरा ऑब्जेक्ट बिल्कुल नहीं बनाना पड़ेगा आपको। किसी को कॉपी किया, इधर मारा, इसको अब लिख दिया पर्सन टू, और यहाँ पे लिख दिया मोहम्मद, यहाँ पे मिलेगा KASHAN, यहाँ पे मिलेगा 26, और यहाँ पर मिलेगा BILPASAN, क्या फर्स्ट नेम लास्ट नेम कौन सा? मैंने यहाँ सही है लिख देता हूँ, सही है, एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसने मुझे दो ऑब्जेक्ट, जो एक लाइन लिखी, अब एक लाइन बन चुकी है जो आपको ऑब्जेक्ट बना बना के रिटर्न कर सकते। सिर्फ आपको कॉल क्या करना है, न्यू पर्सन, जो रिक्वायर्ड पैरामीटर है वो पास करो, ढक करके आपको मिलता है। उधर उधर बतानी पड़ेगी भाई, एक और आएगा उसको भी आपको लेकर आना, ठीक है। इसमें अगर आपको एक्सेस करना है, क्या? हाँ, तो वहां पे इंडिफाइन मिलेगा, हाँ, पर्सन टू में आपको एक चीज ऐड करनी है, डिपार्टमेंट डॉट DEPARTMENT इज इक्वल टू IT, ये कहना चाह रहे हो? डिपार्टमेंट IT आ गई। आप जिस तरह ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टीज ऐड करते थे, इसी तरह कंस्ट्रक्टर में भी ऐड करो। हाँ, परमानेंट हो गया, ये उड़ेगा नहीं आपका जब तक आप कुछ नहीं उड़ाओ। दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर फंक्शन, एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बना,
उसने आपका सारा काम कर दिया। इससे क्या होगा, जब आप डेटा से खेलोगे और आपको यूजर के बार बार ऑब्जेक्ट चाहिए, तो बार बार बनाने के बजाय एक कंस्ट्रक्टर बनाया, उसको रिक्वायर्ड पैरामीटर पास किया, आप जब भी उधर भेजेगा एक कंस्ट्रक्टर में जाएगा और सारा डेटा आपको ला देगा। क्लियर? सही है। और वहां ना मिले तो प्रॉपर्टी हटा दो, डिलीट कर दो, बिल्कुल ऐसे है जैसे ऐसे ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने डिलीट से डिलीट करने का बताया था वैसे डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, एक और चीज देखते हैं। इसमें आया मैं और इसमें आया मैं और परसेंट को थोड़ी देर के लिए कमेंट करती सेव सही है। और पर्सन वन डॉट प्रॉपर्टी बना रहा हूँ, देख रहे हो मुझे वो प्रॉपर्टीज भी बता रहे हैं, आपके पास ये सारी प्रॉपर्टीज पड़ी हुई है सही है। प्रॉपर्टी एक बना रहा हूँ, फुल नेम इज इक्वल टू, ठीक है, प्रॉपर्टी की वैल्यू लाजमी असाइन करूंगा और मुझे क्या? और यहाँ पे यकीनन मैं या तो कोई हार्ड कोडेड वैल्यू दूंगा या कुछ ऐसे दूंगा कि भाई मुझे एक्सेसिबल हो जाए, लेकिन मुझे इस तरह करना नहीं। फंक्शन यस, वैसे नहीं लिखना जा रहा, ठीक है। एक फंक्शन मैंने बना दिया एनोनिमस, एनोनिमस जिसका कोई नाम ना, ठीक है, रिटर्न क्या करता है, रिटर्न क्या करता है, वेरिएबल दोबारा नहीं, आपके ऑब्जेक्ट की जो कैलकुलेशन होती है डायरेक्ट उसको रिटर्न मार दो, ठीक है, रिटर्न की प्रैक्टिस करो भाई सारे। रिटर्न दिस डॉट, उसने आपको खुद बता दिया फर्स्ट नेम प्लस दिस डॉट लास्ट नेम, ये नाम किस किसको समझ नहीं आया, सबको समझ आए, क्लियर हुई, ठीक है, वेल सही। तो मैं भी ऐसा लग रहा है कल वाला काम अभी तक लगा हुआ है मैच का। अच्छा, अब पर्सन वन में जाकर देखते हैं, सेव किया पर्सन वन और फुल नेम में मेरे पास एक फंक्शन पड़ा हुआ है, बोला भाई के फंक्शन आपको ऐसा ही दिखेगा, ठीक है, अगर हम इसको खोलें तो हमें कुछ इसी तरह का दिख रहा है, लास्ट नेम अहमद पड़ा हुआ है उसमें और फर्स्ट नेम है नहीं है, हमने इतना देखना नहीं। पर्सन डॉट फुल नेम, क्योंकि हमारे पास फुल नेम भी है, पर्सन डॉट पर्सन वन डॉट फुल नेम और उसको कॉल कर दिया, क्यों, क्योंकि इसमें फंक्शन असाइन, क्लियर है। मोहम्मद अहमद क्या, मैंने उसमें क्या असाइन किया हुआ है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम तो करा हुआ असाइन यार, टर्नरी यूज कर लेते हैं भाई, ये किया पहले इनको ब्रैकेट्स में रखा और इनको भी ब्रैकेट्स में रखा, ये सही है सही। यहाँ तक के काम में किसी को अगर कोई मसला नहीं है तो वो बता दो, ये ऑब्जेक्ट में आता है, देखो ना आप एक लाइन लिख रहे हो और उसमें ऑब्जेक्ट बना के, वरना आपको अक्सर बहुत सारे ऑब्जेक्ट बनाने पड़ते हैं, यूजर का अलग, इसका अलग, उसका अलग, अब
एक लाइन लिख रहे हो वो आप ऑब्जेक्ट बना के दे, ये पर्सनल वन डॉट खोल लें आप, नहीं इसकी वैल्यू तो स्ट्रिंग में आएगी। वो इस वजह से मैंने सिर्फ अभी फुल नेम प्रॉपर्टी को कॉल करवाया, फुल नेम अब पर्सन वन के पर, फुल नेम अब जो पर्सन का और कंस्ट्रक्टर फंक्शन है उसके प्रॉपर्टी है, क्योंकि डॉट करके मैंने उसको प्रॉपर्टी बना दिया फुल नेम को, और उसमें असाइन कर दिया एक एनोनिमस फंक्शन जो क्या रिटर्न कर रहा है दिस डॉट पर्सन, दिस मतलब पर्सन उसका जो फर्स्ट नेम आ रहा है प्लस स्पेस दिस डॉट लास्ट नेम। कहाँ पर इधर कॉल कर, देखो फंक्शन हमेशा तब चलेगा जब आप उसको वहां पे कॉल करोगे, देखो ना मैंने कॉल करा ना फुल नेम के आगे ये लगाया भी। ठीक है फंक्शन जब तक कॉल नहीं करोगे नहीं चलेगा, हाँ बता देगा यहाँ कोई फंक्शन है उसको कॉल करो ताकि वो चल जाए। ठीक है अब अगर मुझे दिखाना हो ऑब्जेक्ट में नहीं दिखेगा तो आपको जैसे ऊपर दिख रहे हैं ना फर्स्ट नेम लास्ट नेम वो इसी तरह दिखेगा, फंक्शन का रिजल्ट आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी में नहीं मिलेगा, ऐसे मिलेगा और आप जो कह रहे हो ना उसके आपको रिक्वायरमेंट कभी नहीं हो, ऐसे सवाल ले लाओ जिनकी रिक्वायरमेंट कभी ना हो। ठीक है आई में आ जाते हैं ये सवाल बात, ठीक है इसको ये कर दिया और तो ये कर दिया, कंस्ट्रक्टर सबको क्लियर है। अच्छा इस भाई का एक सवाल था लास्ट क्लास में कि अगर हमें सिर्फ ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को पकड़ना हो नेम को ना पकड़ना हो, ऐसा कोई सवाल था ना तुम्हारा कि सही है जैसे कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है उसमें पांच प्रॉपर्टीज है सिर्फ मुझे प्रॉपर्टीज को पकड़ना है, कभी ज्यादातर आपको ऐसी कंडीशंस आपके लिए पॉसिबल हैं कि भाई एक ऑब्जेक्ट आ रहा है उनमें से रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज या ये ऐसा भी प्रॉपर्टीज हैं तो फिर आगे जाना अदरवाइज आगे नहीं जाना। प्रॉपर्टीज वेल नॉट वैल्यूज, ठीक है उसके लिए एक छोटी सी एग्जाम्पल कर लेते हैं। सही है कंस्ट्रक्टर फंक्शन यहाँ पे हमारा खत्म हुआ, my info is equal to object, हाँ जाओ मजे करो भाई भाग नहीं जाना तुम आते नहीं। Yes. बात एक नंबर और as laptop false सही है एक ऑब्जेक्ट बना दिया मैंने प्रॉपर्टी नंबर फाइव किसी को समझ में आ रही है क्या मतलब है लैपटॉप नहीं है बस सही है नहीं मेरे पास ये मेरे पास सिस्टम जी कुछ भी माय सही फॉर लूप का सिंटैक्स सबको याद है, तीन कंडीशंस लगती हैं, यहां से शुरू करो
यहाँ तक चुनो, चलो फिर अपडेट करो या डिक्रीमेंट करो, फिर जो मर्जी आपको करना है उसको दिखा दो। सबको याद है? सही। अब हम थोड़ा सा उससे हटके कोई काम करते हैं, और ये जो फॉर लूप का एक मेथड मैं लिखवाने लगा हूं, ये सिर्फ आपकी प्रॉपर्टीज चेक करेगा कि क्या वो है या नहीं है, ये नहीं चेक करेगा, सारी प्रॉपर्टीज आपको ला कर देगी इसकी, आपके रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट की। ठीक है, प्रॉपर्टीज स्टैंड फॉर प्रॉप, पी आर ओ पी, बार प्रॉप इन माय इन्फो, प्रॉप स्टैंड फॉर प्रॉपर्टीज इन माय इन्फो, एक वेरिएबल बनाया, इन किसके अंदर, ऑब्जेक्ट के अंदर, कौन सा ऑब्जेक्ट, माय इन्फो। ठीक है, कंसोल करवा लेते हैं प्रॉप, प्रॉप को बनाया, यस, क्योंकि वेरिएबल प्रॉप ही बनाया ना मैंने। ऊपर मैं इसको भी खोल लेता हूं, किसी को इन मसला तो नहीं कर रहा, इन क्या कर रहा है, माय इनपुट क्या कर रहा है, बार क्या कर रहा है, अहमद लिख देते हैं, अहमद भाई रेलेवेंट रखते हैं, आप दूसरा डेवलपर देखे वो बोलेंगे यार अहमद भाई। इसके लिए हम कोई अगर प्रोग्राम इनका एक और काम है, मैंने एक बनाया वार प्रॉप ई एक्स आई एस टी, प्रॉपर्टी यानी एग्जिस्ट इज इक्वल टू, एक मैंने बनाया एम्प्टी स्ट्रिंग, उसमें रख दिया टाइटल इन माय इन्फो, इसका मतलब है चेक करो टाइटल किसमें है, माय इन्फो में है या नहीं। ठीक है, ये आपको बोलना नहीं क्लियर, प्रॉप एग्जिस्ट सेव टू रिटर्न हो रहा है क्योंकि टाइटल अंदर है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं सेव नाउ फॉल्स, इससे वैल्यू चेक करेंगे, हैज ऑन प्रॉपर्टी से भी वैल्यू चेक करेंगे, हैज ऑन प्रॉपर्टी क्लियर है सबको, हैज ऑन प्रॉपर्टी सबको क्लियर है ना, सही है, क्या क्या मसला,
भाई मैंने ये चेक कराया कि ये माय इन्फो में है, ये पूछा है, उसने मुझे बता दिया फॉल्स, क्योंकि नहीं है। ये जो एमपी, ये जो डबल स्ट्रिंग है, इसमें मैं वो डिफाइन करूंगा जो मेरे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी में होगा। मैंने बोला ये जो डबल स्ट्रिंग में है, इन माय इन्फो, माय इन्फो क्या है, ऑब्जेक्ट, क्या ये इसमें है, हाँ क्या ये है, उसने मुझे फॉल्स दे दिया, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मैं टाइटल लिख के भेज दूं सेव, तो उसने मुझे ट्रू दे दिया। नहीं आएगा ये, अच्छा मीटिंग पूरा सिनेरियो बताया करो कि भाई मैं ऐसा करना चाहता हूँ, तुम ऐसा लेकर आते हो, वैल्यू चेक करना चाह रहे हो किसकी, डॉट लगा दिया, लगा इफ ऑब्जेक्ट डॉट प्रॉपर्टी इज इक्वल टू, अगर ये आ रहा है तो सही है, नहीं तो बता दो। अबे यार ये बता, यार इसके सवाल बार वाले बताऊं, constructors plan 1 is equal to this plan 1 ye sab required hai, this dot name hume pata hai bachche ko, pata videos ki nahi nahi milte hain yaar, rakha to tha yaar, bataya channel ka link de do। देख रहे हो इन्होंने जो है कंस्ट्रक्टर बनाया है और अपने मतलब का जो है प्रॉपर्टी रखी हुई है, ठीक है कोई मसला नहीं, आप चेंज कर दो, सही है, एक कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ, नेम प्राइस स्पेस ट्रांसफर पेजेस एक्सपेक्टेड है, लेकिन दिस के साथ जो प्रॉपर्टीज है वो उन्होंने अपने हिसाब से रखी है, कोई मसला नहीं। इट्स कॉमन टू यूज द सेम नेम्स फॉर पैरामीटर्स एंड प्रॉपर्टीज बट यू डोंट हैव could write, सही है, clear है, तो value तो वही रखेंगे ना, value तो वही रखेंगे क्योंकि value आप भेज वहीं से रहे हो, parameters तो जो जा रही हैं वो वहीं पे बाद में सेव होंगी ना, वो तो value है, मसला आ रहा है कोई, अरे मेरी बात सुनो अब प्लान वन को जब कॉपी वो चलाएंगे तो नेम में मैंने अहमद भेज दिया तो दिस डॉट डॉक में मुझे अहमद मिल जाएगा, क्या इशू है, अबे यार क्या हो गया, तू है क्या, सही है भाई, थोड़ा हालत मार रहा हूँ, सही है क्लियर है, अच्छा
अच्छा ऊपर वाले जितने भी टॉपिक्स हैं ना उनमें ये सारी चीजें मैं कवर करवा दी। कंस्ट्रक्टर फॉर मेथड्स, लाइन वन में इन्होंने ये सब रखा हुआ है। नहीं इसमें अभी ये चीजें हैं, प्रोटोटाइप पढ़ने के लिए। यार जल्दी अगर कोई सवाल मिल रहा है तो मिल जाए, वरना देखो गॉट द प्रॉपर्टी इन प्लान वन, क्लियर है? ये मैं बता चुका हूँ, सबको क्लियर है? अभी तो बताइए, लोकेशन इन प्लान वन बार। देखो इन्होंने ये वाली मेरी एग्जांपल भी करी थी, मैंने यहां से तुम कॉपी करी। ये इन्होंने कोई सवाल करा हुआ है, लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज इक्वल टू एरे प्रॉप इन प्लान वन, इफ प्लान वन डॉट हैज वन प्रॉपर्टी प्रॉप, मजे का सवाल है। वरना मैं जो पढ़ाना चाह रहा हूँ मैं वो पढ़ा दूँ, गेटिंग एंड सेटिंग ये बाद में देखिए। 76, 89 इसको हटा देते हैं, ठीक है? ये हमारा आज का ये वाला टॉपिक इंटरेस्टेड था, अभी वाले से ज्यादा इंटरेस्टेड, ठीक है? अच्छा देखो थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि वो आपके लिए जरूरी है, सरवाइव आपके लिए, और थोड़ा सा जो है ना हजम करने के लिए तैयार हूँ। अब थोड़ा सा ऊपर से आ रहा है, मुझे कहते ना कि बहुत ऊपर से आ रहे हैं। कुछ चीजें हैं जावास्क्रिप्ट में जरूर आज ये करें, नहीं नहीं समझ में नहीं आता, फिर पहली वाली चीजें हजम होंगी ना फिर ये समझ में आएगा। कुछ चीजें हैं जो आपको प्रैक्टिस के साथ ही समझ में आएंगी वरना नहीं आएंगी, जिनमें से एक है दिस, ठीक है? जब तक प्रैक्टिस कंटिन्यूसली नहीं होगी दिस समझ में नहीं आएगा, ठीक है? दूसरी चीज है न्यू, न्यू कहाँ लगा ऑब्जेक्ट से यूज होगा, ज्यादातर यूज होगा यहाँ पर और कंस्ट्रक्टर बनाने में और डेट बनाने में, या न्यू एरे से अगर कुछ बना रहे हो तो बनाने में, ठीक है? ये वो न्यू, इसके अलावा बहुत कम प्रॉमिस लिखते हुए आपको न्यू की जरूरत पड़ सकती है, प्रॉमिस क्या है वो हम बाद में लिखते, ठीक है? मोस्ट प्रोबेबली फ्राइडे वाली क्लास में शायद शायद सही। अच्छा अभी आपने अगर थोड़ा सा ऊपर जाएं और इसको थोड़ी देर के लिए अगर खोलें, जो हाइलाइटेड टेक्स्ट है अभी मेरा उसमें मैंने फुल नेम की प्रॉपर्टी में एक एनोनिमस फंक्शन असाइन किया है, ठीक है? जो क्या रिटर्न कर रहा है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अपने पेरेंट ऑब्जेक्ट का, क्लियर है? सही है। तो इसी तरह जावास्क्रिप्ट के कुछ बिल्ट इन मेथड्स हैं, ठीक है, जो एक्सेप्ट करते हैं एक कॉल बैक फंक्शन। क्या एक्सेप्ट करते हैं? कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन क्या है? एक एनोनिमस फंक्शन है, ठीक है? वो आपको कुछ बाय डिफॉल्ट की फंक्शनैलिटी रिटर्न करता है जो आप लिखोगे वो, ठीक है? कॉल बैक फंक्शन कहाँ कहाँ चलेगा ये आपकी प्रैक्टिस के साथ साथ आपको समझ में आ जाए कि मैं कॉल बैक यहाँ पास करना पड़ेगा, शायद मेरा काम हो जाए और उससे हो जाएगा, ठीक है?
प्रैक्टिस के साथ साथ आपको समझ में आ गया कि कॉल बैक आपको कहाँ कहाँ नीड करना है। तो कॉल बैक को आप एनोनिमस फंक्शन नहीं बोल सकते, क्योंकि एनोनिमस फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो एक जिसका नाम ना हो, नाम कॉल बैक कभी नहीं होगा, लेकिन वो एक अलग काम कर रहा होगा। सही है, ठीक है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये बात हो गई एक तरह, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूं कि एक कंडीशन बनाते हैं, ठीक है, नेम चेक करवाने की, ठीक है, यूजर नेम चेक करवाने की एक कंडीशन बनाते हैं। जब एरर आएगा ना, तो हम अलर्ट या कंसोल नहीं लगाएंगे, एक HTML के एलिमेंट में अपना एरर दिखाएंगे और उस एरर को 2 सेकंड या 3 सेकंड बाद हटा देंगे। ये कैसे होगा ये देखेंगे, ठीक है, इंटरेस्टिंग है, ठीक है। दूसरी चीज, मुझे हर सेकंड बाद या 2 सेकंड बाद या 3 सेकंड बाद ये होता हुआ नजर आए, कुछ और कुछ भी, एक कंसोल चल जाए 2 सेकंड बाद 3 सेकंड बाद, ये कैसे होगा ये देखें। ये हमारे आज के 2 मिनट टॉपिक, ठीक है। एनिमेशन नहीं हुई, ठीक है, घड़ी एनिमेशन नहीं हुई, सही है, घड़ी एनिमेशन। अच्छा, अब जैसे कि दो चीजें, ठीक है, एक क्या यार ये एक एरर है, ये आए और 3 सेकंड बाद रिमूव हो जाए, इसके लिए आपके पास जावास्क्रिप्ट में मेथड, हाँ, वो रिमूव नहीं हो जाए, विजिबल हो जाए, ठीक है। वो ये कैसे होगा, इसके लिए जावास्क्रिप्ट में आपके पास मेथड है सेट टाइम आउट, ठीक है, सेट टाइम आउट, ठीक है। ये क्या करेगा, जो आपकी रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटी है वो कितने टाइम बाद चलेगी, सही है। अच्छा, अब मैंने बोला भाई ये एक कंसोल है, वेलकम टू जावास्क्रिप्ट, ये हर सेकंड बाद चलता है, इसके लिए जावास्क्रिप्ट में मेथड है सेट इंटरवल, इंटरवल इंटरवल बोल दो, इंटरवल बोल दो, ये आपको क्या करेगा, आपकी हर सेकंड बाद जो आपके रिक्वायर्ड सेट सेकंड होंगे या जो भी आपका टाइम होगा उस पर आपको चला के दिखा रहे, ठीक है। सेट टाइम आउट की एक एग्जाम्पल करते हैं सबसे पहले, कॉल बैक बीच में आ जाएगा, ठीक है, इंडेक्स की फाइल में आया और यहां मैंने एक बना दिया H1, हाँ, और इसको मैंने आईडी दे दी H1, कितने साल पुराना, कितने साल पुराना, साल देखा करो, चीज खत्म तो नहीं हो भाई, वो तब चला रहा हो तब चल रही हो, चल रही थी ना, कितने साल पुराना ये भी तो पूछ रहा हूँ, ये चीज जरूरी है। आप, मैं कहता हूँ अभी की अगर बात करो ना, तो 2021 की चीज देख लो, 21 से पुरानी चीज देख लो, वो किसी काम की नहीं, आपको अपडेट्स लिख चाहिए, अपडेट चीजें आपको उस पर काम करना है, आपको पुरानी चीजों पर काम नहीं करना, ठीक है। एक आईडी बना दी H1, इसके अंदर लिख दिया समथिंग वेंट
फ्रॉम सेव सही है आपने यूज करा सकता ना बार एच वन इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट बता रहा बता रहा एच वन हमारे पास आया या नहीं कंसोल में देख लेते हैं एच वन सही है मैं इसको डिसेबल करने की कोशिश करता हूँ जावास्क्रिप्ट से एच वन डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज इक्वल टू नन सेव सही है सेव भाई हम इसके जरिए सीख रहे हैं बिल्कुल कर सकते बिल्कुल कर सकते सही है बिल्कुल कर सकते सेट टाइम आउट सही है ये जावास्क्रिप्ट का फंक्शन सेट टाइम आउट क्या बोलता है क्या करना है ठीक है और कितने सेकंड बात करनी ठीक है इट रिक्वायर्स टू पैरामीटर्स वन इज अ कॉलबैक फंक्शन अनदर इज रिक्वायर्ड टाइम इन मिलीसेकंड्स नहीं सेकंड्स में दे दो या इसमें भी दे दो लेकिन ज्यादातर जो 90% आप दोगे वो आप उसको दोगे सेकंड्स में ठीक है कॉलबैक क्या है मैंने आपको बोला था एक यार इसके लिए अगर मैं एक एग्जांपल करा दूं उसकी ES6 के फंक्शन की सही है क्या सही है बल्कि इसका इसको पढ़ाने से पहले एक मैं स्क्रिप्ट ES6 ES7 में जो हमारे पास लेटेस्ट फंक्शन अनाउंस हुए हैं उसके एक एग्जांपल कर लेते हैं ताकि ये आपको आसानी से समझ में आ जाए क्लियर या नहीं एग्री सारे ठीक है सबसे पहले नहीं नहीं अभी करवाएंगे इसके बाद फंक्शन क्रिएट यूजर कंसोल डॉट लॉग हेलो क्या वो चलन कॉल बैक नहीं कॉल नहीं कर रहा सही है ये आपका फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का जावास्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट ठीक है क्या किसी वेरिएबल में तो रखी है ना लिख लेता हूँ मैं वैसे लिख लेता हूँ ये भाई के जो है ना उसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है रिटर्न अब बताओ कंसोल में डेटा कैसे आओगे अब बताओ कंसोल में डेटा कैसे आएगा मैं समझ गया उसने बोला डायरेक्ट जो वैल्यू है वो रिटर्न कर दो यही सवाल था ना आपका कॉल करना तो हर हालत में जरूरी है फंक्शन की वैल्यू को बुलाने के लिए कॉल करना हर हालत में जरूरी है जो मर्जी हो जाए कॉल नहीं करोगे तो नहीं हो चलेगा ही नहीं लेकिन अब आप बताओ इसको कंसोल में कैसे लाएं इसके जल्दी प्रैक्टिस के बाद ही तो कॉल किया मैंने पैरामीटर आर्गुमेंट अब काम ही नहीं है मैंने एक हार्ड कोडेड वैल्यू रखी इसको
ये बोल रहे लेकिन इसके अलावा क्या हो सकता था? नहीं नहीं रहता नहीं ऐसा नहीं कर सकते। मतलब मेरे ब्रैकेट्स के अंदर का नीचे का कोड उसके बाद कभी भी नहीं चलता, ब्रेक करता है, ये उससे भी खतरनाक है। ठीक है, इसको बहुत सोच समझ के लगाना है। तो सही है, ये हमारा एक नॉर्मल जावास्क्रिप्ट का फंक्शन था, हम दोबारा पहले वाले काम पर आए। दोनों सही है। सही है, इसको हम बोल देते हैं ES5 method। सही है, ठीक, और इसको मैंने कर दिया कमिट ES6 method। अच्छा, लेट बार और पॉन्च का क्या फर्क है ये मैं बाद में बताऊंगा, ये मैं अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है। लेकिन हम एक फंक्शन बना रहे हैं यूजिंग ES6 method। उसके लिए मैंने लगाया पॉन्च, सबसे पहले विच स्टैंड फॉर कॉन्स्टेंट, ठीक है, और फंक्शन का नेम। मैंने बोला था ना कि अभी हम ये डिस्कस नहीं कर रहे, सही है। पॉन्च के बाद आपने लगाया एक वेरिएबल का नेम इज इक्वल टू, इसके अंदर असाइन है, ये क्या हुए फंक्शन के, ये फंक्शन के राउंड ब्रैकेट्स हुए, और उसके बाद आया आपका एरो फंक्शन। नहीं, ये एक अलग चीज है, ये प्योर ES स्क्रिप्ट का फंक्शन। लोग किस कर रहे होते हैं वो अब अलाउ कर दिया गया समझते हैं कॉन्स क्या है, बार, ठीक है। ग्रेट यूजर आपके फंक्शन का नेम इज इक्वल टू, इसके अंदर असाइन है क्या एक फंक्शन, फंक्शन क्या है ब्रैकेट, और ये जो इज इक्वल टू है ये आपका एक किस्म का समझो कि ये निशानी है अपडेट फंक्शन, और वो ब्रैकेट वही काम कर रहे हैं जो ऊपर वाला काम कर रहा है भाई, अपडेट अपडेट की एक निशानी समझ लो, एरो फंक्शन बोल दो, ठीक है, ये निशानी ऊपर निशानी क्या थी फंक्शन का कीवर्ड था, अब वो नहीं अपडेट निशानी नहीं है, इट इज कॉल्ड एरो फंक्शन और फैट एरो फंक्शन नॉर्मल फंक्शन की तरह वर्क करता है, हम कंसोल कराते हैं इसके अंदर ये चीज बिल्कुल वैसे कॉल ओवर सी बी ग्रेट यूजर चल रहा है, क्लियर है अबे यार ये अच्छा था यार अब अभी ये नहीं बोल रहे हम ग्रेटर देन का क्या है अपडेट सिंटैक्स, ठीक है, इससे भी थोड़ा सा आगे जाते हैं, वो आया था ES7 में, उसने बोला कि सपोज
उसने बोला था कि सपोज करो मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास होगा आप एक लाइन का फंक्शन लिखेंगे, ठीक है, एक लाइन का फंक्शन, वो कैसे लिखेंगे? क्या अब इससे आसान और क्या एग्जांपल है? बिल्कुल कर सकते हैं आप पैरामीटर, अच्छा पैरामीटर पास करके देखिए, क्रिएट यूजर में मैंने पास किया अहमद एज एन आर्गुमेंट, सही है, यहाँ पे रिसीव हो रहा है कोई भी नेम, सही है, आर्गुमेंट दिया अहमद, नेम में रिसीव हुआ एज अ पैरामीटर, नीचे यूज करते हैं, जब प्रॉपर ES6 लिख रहे हैं तो ES6 लिखते हैं, हाय नेम, अब क्लियर है भाई? ये सेविंग का जो हो सकता सबसे अच्छे फंक्शन की एक चीज आई है वो भी देख लेते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आपके लिए जरूर आपके पास ऑप्शन होगा कि फंक्शन सिर्फ एक लाइन का, आपके पास सपोज कर फंक्शन है जो आपने बनाया वो सिर्फ एरर शो करेगा, ठीक है, एक लाइन का ही बना लो, उसको देखते हैं इस लाइन को, इस फंक्शन को एक लाइन का हम कैसे बना सकते हैं। वैसे तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे, ये हो गया एक लाइन का हो गया, ऐसे भी कर सकते हैं, एक लाइन का हो गया, छोटे से छोटा हो गया, लेकिन थोड़ा सा और कोड इसका शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं, पहले इसकी कंट्रोल जी करते हैं, अल्ट राइट शिफ्ट है, और इस एग्जांपल को मैंने कॉपी कर लिया, सी नीचे लिखा ES7 मेथड, कंसोल क्लियर, wants great user, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, बिल्कुल वर्क करेंगे, अभी उसको उसको भी चला कर देखते हैं, लेकिन अभी जो मैं देख रहा हूँ उसको देखो, ये ब्रैकेट्स क्या है जो मैंने आपको बताया था आपने क्या परफॉर्म कराना हो उनके अंदर लिखते हैं, ठीक है, लेकिन जब आपको लगे कि आपका फंक्शन सिर्फ एक लाइन का काम करेगा, ठीक है, सिर्फ एक लाइन का, तो फिर आप क्या करो, इसको भी हटा दो और हर किस्म के जो फालतू ब्रैकेट हैं हटा दो, डायरेक्ट ग्रेटर देन एरो और कंसोल में जो आपका नाम आ एक लाइन का फंक्शन होता है, पैरामीटर भी पास हो गए, आर्गुमेंट भी पास हो गए, सब कुछ हो गया, कंसोल भी चला दिया, यहाँ आप रिटर्न करा लो, वैल्यू करवा लो, अलर्ट करा लो, जो मर्जी करा लो, ब्रैकेट फालतू नहीं थे, ES7 की अपडेट में आपको बोला कि अगर एक एक लाइन की फंक्शन, अब जैसे कि दो लाइन की फंक्शनैलिटी लिखनी है तो आप ब्रैकेट के बिना नहीं कर सकते, दो लाइन की जहां बात ब्रैकेट रिक्वायर्ड, ठीक है, अब दस लाइनें लिखनी है क्या वहां सीधे चले जाओगे क्या जाएगी नहीं, सही भाई की बात का जवाब देते हैं, एलईटी सही है, वर्क है सही है, अब क्लियर है, तुमने बोला था किसी और लाइट में रखे हैं बाहर में रखे हैं, क्लियर है, सेट टाइम आउट मिला, इट इज कॉल्ड एरो फंक्शन, ES6 के मेथड में ब्रैकेट्स थे, ES7 के मेथड से ब्रैकेट रिमूव होगा इफ फंक्शन इज अवेलेबल फॉर ओनली फॉर वन लाइन, लेकिन आपने एक चीज समझ लेना, ठीक है, अब आपको कॉल बैक में थोड़ी सी आसानी होगी, ज्यादा आसानी नहीं होगी, थोड़ी सी क्या क्या भाई देखो मेरी मेरी बात सुनो, आपने जितना सीख लिया ना वो मार्केट के लिए इनफ है, पहली बात, दूसरी बात, एक बंदा जैसे कि मैं प्रोग्रामर हूँ, टॉप रेटेड टॉप लेवल का जो चीजें बनाते हैं, जो चीजें बनाते हैं ना उनको किसी के लिए
काम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, अपन बहुत अच्छी चीजें आपको बना के दे रहे हैं। वो सालों सालों मेहनत लगा के कोई चीज बनाते हैं तो मार्केट में लाते हैं, भाई ये नया लाया हूँ, ठीक है, तो सालों सालों बाद कोई एक चीज बनती है, ठीक है, तो उसकी फिक्र नहीं करोगे कि नहीं आ गई तो हम पुरानी पढ़ रहे हैं, वो एक चीज आई दो चीज आई। हाँ सही है, इसका सॉल्यूशन ये है कि भाई अपडेट्स देखते रहो, लेकिन पुराना काम अगर नहीं आता तो अगला काम कर नहीं सकोगे, ठीक है। आपको एक प्रोजेक्ट मैंने असाइन कर दिया, उसमें जावास्क्रिप्ट का काम होगा कोर, तो बोलो कि सर इसमें तो मुझे तो नया काम आता है, पुराने काम नहीं आता, ये एक्सक्यूज नहीं है, क्या कह रहे हो? नहीं तो आपको टाइम दिया जाता है, आप इसको समझो, 10 दिन लगाओ, 15 दिन लगाओ, और जो नई चीज समझ में आ रही है अपने साथ किसी डिवाइस का उठाओ, उसको कोई नेट पे भी नहीं समझ में आ रहा, सारे कंसोल चलाओ, ये आपके काम होते हैं, सही है। आपको टाइम दिया जाएगा, ऐसे ही नहीं दिया जाएगा कि भाई ये प्रोजेक्ट है इसको देखो इसमें क्या हो रहा है, ठीक है। अब जाते हैं सेट टाइम आउट के पास। H1 हमारे पास रेंडर हुआ हुआ है और ऊपर से जाके हम अपना H1 उठा लें, नोट सेट टाइम, मैंने लिखा सेट टाइम आउट, ठीक है। इसमें कितने पैरामीटर रिक्वायर्ड थे, विच इज सही है, लेकिन उल्टा बोला है, कॉल बैक पहले था, कॉल बैक के लिए मैं एंटर मार देता हूं ताकि आप लोगों के लिए मसला ना हो। कॉल बैक क्या है, दिस इज कॉल बैक, एक किस्म का क्या हो गया, ESM वाले फंक्शन हो गया, ब्रैकेट रिक्वायर्स पैरामीटर ग्रेटर देन एरो और वो जहां पर आपको कुछ लिखना है, दिस इज कॉल्ड कॉल बैक बस, और ये कुछ नहीं। एनोनिमस फंक्शन एक नजर के लिए बोल सकते हैं लेकिन इट इज कॉल्ड कॉल बैक, ठीक है। दूसरा कॉमा लगाया सेकंड पैरामीटर के लिए, मैंने लिखा 5000 मिलीसेकंड, व्हिच इज 5 सेकंड, एक सेकंड में कितने मिली सेकंड होते हैं, नहीं वो नहीं लिख सकते, उसके लिए आपको कैलकुलेशन करके लिख सकते हैं, भाई जब एस लिखा हुआ है तो उसकी कंडीशन ये लगी हुई है, भाई सेकंड का मतलब ये, आपको यहाँ पर लिखने पड़ेंगे मिली सेकंड में ज्यादातर, ठीक है। मैंने लिखा, इस पूरी फंक्शनैलिटी को कॉपी करता हूँ, एक्स कमेंट रिमूव, कॉल बैक फंक्शन का ब्रैकेट खोला, क्यों, क्योंकि काम हमेशा हम इसी के अंदर करेंगे। मैंने बोला h1.style.display is equal to none, कितनी देर बाद, 5 सेकंड बाद, 5 सेकंड बाद नन हो जाएगा, सेव और रिफ्रेश, दोबारा रिफ्रेश करते हैं और यहां से घड़ी भी खोल लेते हैं, बिल्कुल जरा। अब जैसे कि मैंने आपको इसकी एग्जांपल क्या बताई, मैंने तुम्हें बोला एक फॉर्म बनाओ, ठीक है, जिसमें फील्ड जो आपके पास दस, ठीक है, अब आपने ना अलर्ट में मैसेज लिखाना है ना आपने अलर्ट के लिए कोई और चीज लिखानी है, आपने ऊपर एलिमेंट बना दो, ठीक है, जब भी कोई मैसेज आए एलिमेंट शो करा दो, उसमें आपका रिमाइंड एरर चला जाए और 3 सेकंड बाद उसको काम करा दो। अगर मैं आपको, मेरे पास मेरी 1 मिनट के लिए एक चीज देखो, अगर यहाँ से सबको नजर आती है, मोबाइल नजर आ रहा है, ये मैंने क्लाइंट वर्कर्स को APK प्रोवाइड करनी थी, ठीक है, SPC कंसल्टेंसी,
ठीक है, लॉग आउट, ठीक है। अच्छा यहाँ पर मैंने वैलिडेट वैलिडेट कुछ इस तरीके से किया हुआ है कि जब भी कोई चीज जैसे कि इसकी एरर शो कराना हो तो यहाँ पर एक मैसेज दिखा दो, उसको 3 सेकंड बाद हटा दो, और इसके में भी जब कोई इश्यू हो तो यहाँ पर मैसेज दिखाओ और 3 सेकंड बाद हटा दो। मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, उसने बोला इनवैलिड यूजरनेम और उसको हटा दिया। एटलीस्ट 6 कैरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड। बिल्कुल होगा। सही है, सही टाइम और समझ में आया। बाकी भाई यूज नहीं करो, भाई यूज नहीं करो, सही टाइम आएगा। ये था सेट टाइम। क्लिक फंक्शन पर, क्लिक फंक्शन पर सेट टाइम को चलाओ। सेट टाइम नहीं, इसमें क्यों पैरामीटर पास नहीं? नहीं वो बोलने के फंक्शन यहाँ से बनना शुरू हुआ है, यहाँ से फंक्शन बनना शुरू हुआ, यहाँ पैरामीटर रिक्वायर्ड नहीं है। बस उसने बोला कि मेरे अंदर जो ब्रैकेट था उसके अंदर आपने जो कोई काम शो कराना है तो करा दो, हम कुछ और करके देख लेते हैं, हम डिस्प्ले नन नहीं करते। मैंने बोला भाई 5 सेकंड बाद आप करो H1 डॉट इनर HTML इज इक्वल टू 50, सेव। वो यार अभी करेंगे, अभी थोड़ा नहीं, इसका काम ये है, ये ज्यादातर आपका यूज होगा एरर हैंडलिंग में। जैसे दिखा दिया कोई चीज, अब जैसे कि आपने किसी चीज के लिए कोई फॉर्म खुलवाया गूगल पे या जैसे मर्जी, उसको भाई अगर यूजर फिल ना करे तो उसके बाद हटा दो, 3 सेकंड बाद हटा दो, 10 सेकंड बाद हटा दो, 5 सेकंड बाद हटा दो, कोई भी चीज थोड़ी देर के लिए करानी हो उसके लिए ये करेंगे, ठीक है। रनिंग आउट ऑफ टाइम ये एक अच्छी एग्जांपल थी, ठीक है। ये हो गई हमारा सेट टाइम आउट। नीचे आते हैं, कॉपी और सेट इंटरवल। सेट इंटरवल मतलब कॉल बैक फंक्शन बस इतना, ठीक है। सेट इंटरवल सेम पैरामीटर्स आर रिक्वायर्ड, वन हैंडलर व्हिच इज कॉल बैक, अनदर इज टाइमर। कॉल बैक, अनदर इज टाइमर। हाँ कॉल बैक है ना ये, तो इसके अंदर तुम्हें लिखूंगा जो मुझे लिखना है, ठीक है। क्या तुम्हारे लिए लिख रहा हूँ, वरना मैं एक लाइन ले लूँ। नहीं, तुम्हारे लिए अभी इतना सही है भाई, खत्म नहीं होगा एक लाइन वाला, वरना मैं तो एक लाइन में जो ब्रैकेट आ रही है ये भी नहीं लिखूंगा मैं, वो एक्सेप्ट करेगा। बिल्कुल आएगा, लिख रहा हूँ अभी मैं, उसका सिंटैक्स लिखा है फिर अभी लिख रहा हूँ उसके अंदर, ऊपर वाले में लिखा लिखा तो था मैंने ये, कॉल बैक का जो पैरामीटर था, ठीक है। अच्छा इसमें आया, मैंने लिख दिया कंसोल, डॉट नो सही है, हेलो सेव चलाएं।
देखो ये एक अच्छा सवाल है, लेकिन इसके लिए मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ। मल्टीपल लाइंस उतनी के आपकी एप्लीकेशन क्रैश ना हो जाए, मतलब ओवरलोड ना हो जाए। ऐसा कोड नहीं लिखना है इसके अंदर कि ओवरलोड ना हो जाए, ठीक है। एक बार दूसरी चीज आपके लिए टास्क है, ठीक है। ये थोड़ा सा इस बार का ज्यादा हार्ड टास्क है, ठीक है। इस बार का थोड़ा ज्यादा हार्ड टास्क वो ये है, थोड़ा सा ज्यादा टेक्निकल टास्क है वो ये है। सेट इंटरवल आप जब भी लगाओगे ना, तो उसको आपने अपनी एप्लीकेशन में, वेबसाइट में, वेब एप्लीकेशन में या मोबाइल में, जब भी यूज करोगे, तो जब उस पेज का या उस एरिया का जिस पे सेट इंटरवल लगा हुआ है, जब काम हो जाए तो उसको रोकना भी है। सही है, ये जो काम हो रहा है बता रहा हूँ, तो वो रोकना, इंटरवल रोकना कैसे है, वो कैसे रोकना, ये टास्क है। ये वाला नहीं समझ आया? सही है, सेट इंटरवल लिखा, सही है। ये सेट इंटरवल का जावास्क्रिप्ट का पैटर्न है, ठीक है। इट रिक्वायर्स टू पैरामीटर, ठीक है। वन इज कॉल बैक, कॉल बैक का जो सिंटेक्स है वो है ये, कितना क्लियर है। दूसरा पैरामीटर है आपका, मैंने बोला 1 सेकंड का होते हैं 1000 मिली सेकंड, ठीक है। कॉमा 1000, कितना क्लियर है सबको? क्लियर, ठीक है। मैंने बोला कि भाई जो आपको चलाना है ना, वो है कंसोल डॉट लॉग, बिल्कुल कर सकते, ठीक है। हेलो अहमद, सेफ टू थ्री फोर फाइव, नहीं, यही तो बात है। आप कब रुके? ये आपका टास्क इससे कह रहे हैं, नहीं, टाइम ऑप्शन होगा वो मैं अभी नहीं बता रहा, मैं बताऊंगा, लेकिन ये आपका टास्क, ठीक है। इससे इंटरवल जो है हम से हर सेकंड में। अब इसके एक और एग्जांपल करते हैं, एक और एग्जांपल ये कि मैंने इसको बोला भाई पहले तो इसको जरा रोको, आपका कंप्यूटर थकेगा ये नहीं थकेगा, वही तो बोल रहा हूँ। पर आपने इसके अंदर बहुत कॉम्प्लेक्स फंक्शनैलिटी है, लिख रहा हूँ ना तो देख के लिखनी है, ठीक है। अब मैंने बोला भाई हर 3 सेकंड बाद एक कंसोल चले, मैंने उसको 3 कर दिया, सेव किया, हर 3 सेकंड हो जाएगा। एक और एग्जांपल करके देखें, एक और एग्जांपल करके, नहीं वो हम करवाएंगे, वो तो इससे अभी असाइनमेंट है, लेकिन करवा रहे मगर नहीं, बाकी तो नहीं करवा रहे हो गए यार, सारे कॉन्सेप्ट कर पाए क्या, किस चीज से होगा? आपने जैसे कि अहमद है, अहमद को स्प्लिट से तोड़ दिया, AHMDD आ गया, ठीक है। यूजर की जो वैल्यू आ रही है उसको भी स्प्लिट से तोड़ दिया। अब वन बाय वन जैसे क्लिक हो रहा है उसकी वैल्यू को टकराते जाओ, जब तक मैच करती जाएगा, ठीक है। डेस्कटॉप, डेस्कटॉप नहीं पढ़ा तो वो मैं बता दूँ, ठीक है। चलो मैं बता दूँ, ठीक है। इन्होंने इनको बहुत अच्छे से आता है डेस्कटॉप, नहीं आता तो शर्म की बात है। हाँ, इसको रोक देते हैं, इसके एक लास्ट एग्जांपल कर लेते हैं जो आपके लिए बहुत काम की है, ठीक है। नहीं, वो आपका काम तो यार सही है। हम किधर आए? फॉर डेट इज इक्वल टू न्यू डेट, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग डेट,
ठीक है, डेट आ गई, क्लियर है, बिल्कुल ऑब्जेक्ट टाइप किया, सेट इंटरवल, मैं आपके सामने डिजिटल क्लॉक बना रहा हूँ, सही, क्या अपन डिजिटल मोड पे एक सेकंड में बन जाएगी यार, सेकंड आप यार, हाँ बन गई और क्या, लेकिन अभी एक इश्यू आएगा वो आपको बताना है, 1000 वो बताए बगैर जाना नहीं, मैंने बोला हर सेकंड बात चलाते रहो, आप क्या करो, H1 का है हमारा ये रहा, इसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ से एम्प्टी कर देते हैं, ठीक है, एम्प्टी कर दिया मैंने, सेव, ओके, इधर आए, h1.innerhtml is equal to date dot, सिर्फ टाइम दिखाना है, to local e time string, ये तो बार बार नहीं चला, एक सेकंड बाद नहीं चल रही, ये क्यों चल रहा है, क्या लगा, इंटरवल लगा तो दिया, और कितना इंटरवल लगाएंगे, इंटरवल तो लगा दिया मैंने, इसका जवाब आप लोग को, पास तो किए 1000, सवाल भाई का बिल्कुल जवाब आना दे दिया, लेकिन क्यों उसका जवाब यही पर कंसोल में भी यही आएगा, यही आएगा, क्यों जवाब तुम्हारे सामने है लेकिन तुम लोगों तक नजर नहीं आ रहा, नहीं कुछ नहीं, टाइम नहीं है, मैं बता देता हूँ, टाइम नहीं होने की वजह से मैं बता रहा हूँ, ये सवाल का जवाब तुम्हें देना, ठीक है, वजह ये है जब पेज लोड हुआ लाइन नंबर 117 पे डेट एक दफा साइन हुई, अब उसको जब सेट इंटरवल में मिली वो बार बार उसको दिखा रहे, तो एक दफा साइन हुई थी, वो जो हुई थी उसको बार बार दिखा रहे, ठीक है, उसको बार बार अपडेट देखने मिल रही है, हम क्या करते हैं, हम इसको नीचे ले आते हैं, कॉपी करा, कमेंट मारा, बस खत्म कहानी, सेव किया, जब ऊपर से लोड हुआ इंटरवल उसके बाद चला, इंटरवल ने ऊपर जब लोड हुआ था उस वक्त का टाइम पकड़ा, हर सेकंड बाद उसी टाइम को दिखा रहा, क्लियर है, एक चीज लोड हुई, पहले भी लोड हुई, अहमद सेव हो गया उसमें, अब इंटरवल में जब मिला उसने बोला यार ये सेव हो गया इसको हर सेकंड बाद दिखाओ, अब इसमें जब चला न्यू डेट हर सेकंड बाद असाइन हो रहा है इनर एचटीएमएल में, उसको इनर दिखाया जा रहा है, फिर वो आपको नहीं, फिर क्या बिल्कुल सही है, फायदेमंद क्लास रही आज की, सही भाई क्लियर है आपको, फायदेमंद क्लास भी आपकी अच्छी है, सही है, अच्छा मेरी क्लास स्टॉप होगी,